हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नीलेश किचन। तो आज हम बनाएंगे मूंग दाल की रेसिपी। यह हरी मूंग दाल है तो हम इसकी सब्जी बनाएंगे। ये प्याज लिया है, टमाटो और ये हरा धनिया। तो सबसे पहले हम क्या करना है, एक बाउल लेना है, उसमें हमें ये मूंग दाल डालनी है। इसे अच्छे से दो तीन पानी से साफ करके लेना है। अच्छे से हमें इसे धो के लेना है। अब हम इसे 10 मिनट तक ऐसे रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। मैंने रखी है कड़े गैस पे। अब दो तीन चम्मच ऑयल डालेंगे। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। हमारा तेल अब अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे राई, एक चम्मच राई। इसे अच्छे से तड़कने देंगे। अब हम इसमें डालेंगे दो कटे हुए प्याज। इसे हम अच्छे से भून लेंगे। एक मिनट तक भूनना है हमें। इसका अच्छा सा ब्राउन कलर आने तक हमें इसे भूनना है। ज़्यादा भी हमें नहीं इसे फ्राई करना। अब हम इसमें ऐड करेंगे दो टमाटो, कटे हुए टमाटर। इसे भी हम अच्छे से भून लेंगे एक मिनट तक। हमारे टोमेटो और प्याज अच्छे से गलने चाहिए। अब इसका कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे दो चम्मच लाल मिर्च। आधा चम्मच इसमें हल्दी ऐड करेंगे। हम इसे अच्छे से भून लेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया इसमें ऐड करेंगे। अब हमें इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करना है। अब इसे अच्छे से हम मिला लेंगे और दो ग्लास पानी इसमें ऐड करेंगे। पानी को अच्छे से उबलने तक हमें इसे ढके रखना है 10 मिनट के लिए। अब हमारे 10 मिनट हो गए हैं।
अच्छा सा उबलाया है पानी को। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये मूंग दाल भिगो के रखी थी वो। अब हमें इसे अच्छे से मिक्स करके लेना है। इसे अच्छे से हमें पका लेना है 10 मिनट तक। हमें इसे पका लेंगे। अब देखते हैं, अभी भी थोड़ा सा पानी इसमें बाकी है, थोड़ी देर के लिए हम इसे और चला लेंगे। पाँच मिनट के लिए हमें फिर से उसे ढक के रखना है। अब हमारी दाल अच्छे से गल गई है, सॉफ्ट हो गई है। अब ऊपर से हमें फिर से हरा धनिया डालना है। हमारी मूंग दाल की रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।